फ्रेंड्स, आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जा करके देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारी फिर से जर्नी होने वाली है न्यू हाफलॉन्ग टू गुवाहाटी। मैं रिटर्न हो रहा हूँ। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, हमारी विस्टाडोम कोच में मैंने सफ़र किया था, वो वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा। ये काफ़ी ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, अपने आप में बहुत ही सुंदरता को संजोए हुए स्टेशन। यहाँ आपके यहाँ आकर के जो आपको एक सुंदर सा अनुभव होगा ना, वो मुझे नहीं लगता कि और कहीं आपको होगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा पार्ट है। ये आप नॉर्थ ईस्ट में आइए, घूमिए, बहुत सारा आपको प्लेस जो है वो घूमने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत, हरियाली से भरा हुआ, ग्रीनरी तो यहाँ पर भर भर के आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो हमारी जर्नी होने वाली है अभी न्यू हाफलॉन्ग से गुवाहाटी के लिए, तो इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे चैनल राजीव मिश्रा व्लॉग्स को। तो चलते चलते मैं आपको इस स्टेशन का एक सुंदर सा व्यू दिखा देता हूँ। हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है सिलचर सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो कि सिलचर से चलकर सियालदह वेस्ट बंगाल जाती है असम के सिलचर से। तो चलिए, हमारी ट्रेन भी आ रही है, आ चुकी है। फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो हाफलॉन्ग को डिपार्चर कर रही है। इन खूबसूरत नज़ारों को समेटे हुए बाय बाय कहते हैं हाफलॉन्ग को। बाय बाय, बहुत अच्छी जर्नी रही। यहाँ का आसमान जो है एक अलग तरह का रंग बिखेरता है, अच्छे से क्लाउड के साथ। वो देखिए, माउंटेन को क्लाउड ने ढक रखा। तो आज जो हमारी जर्नी है इधर से वापस की, वो मैं कर रहा हूँ जनरल कोच में, कि उधर से जनरल कोच का भी मजा लेना चाहिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई पहाड़ी और घाटी जर्नी में। विस्टाडोम का एक अलग ही व्यू था और इसका एक अलग ही साइड व्यू आपको मिलने वाला है। दोनों में यही डिफरेंस है। किसका हटा, व्यू में दिक्कत दे रहा है।
और नया टनल। ठीक से गिर जाएगा तो दिक्कत हो। कितना ऊंचा माउंटेन है यार ये, अभी तक का सबसे ऊंचा माउंटेन इस रूट का है ना। वो भी एक आगे भी है। ओह माय गॉड भाई, ये व्यू आपको सिर्फ यहीं मिलने वाला है इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आगे मैं आपको शिमला की वीडियोस देने वाला हूँ, कालका टू शिमला, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। अभी जो आप वो ट्रैक देख रहे हैं ना, अभी वही ट्रैक पे हमारी ट्रेन जाने वाली है। देखो भाई साहब क्या व्यू है, वीडियो को तो बंद करने का मौका ही मतलब मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें भाई, उतना वीडियो बड़ा बना नहीं सकते ना। ओह माय गॉड, आपका ध्यान किधर है, ब्यूटी ऑफ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट किधर है। पाँच बज के 15 मिनट हुए हैं
और हमारी ट्रेन जो है अब लामडिंग पहुंचने वाली है। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ सफ़र करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए ये प्यारा सा सनसेट का व्यू, सूरज इस दिन को अलविदा कर बादलों के पीछे छुप गया है, कह रहा है कि कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, एक नए सवेरे के साथ। तो हमारी ट्रेन जो है वो अभी लामडिंग पहुंचने वाली है या पहुंच गई है। देखिए अभी शाम के 5:59 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंची है लामडिंग जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारी जर्नी हो रही है वो है सियालदह सिलचर से सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस, जिसका कि ट्रेन कोड है 03176 और अभी हम लामडिंग जंक्शन पे पहुंचे हुए हैं। काफ़ी ही साफ़ सुथरा स्टेशन है और काफ़ी ही अच्छा यहाँ पे अभी लगेगा आपको, क्योंकि माउंटेन के बीच का जो स्टेशन होता है ना वो देखने में काफ़ी ही खूबसूरत होता है, क्या कहते हो। तो ये ट्रेन जो है हमें गुवाहाटी रात के 10:40 पे हमें पहुँचाने वाली है। इसके बाद जो है हो सकता है नाइट हो जाएगा, तो नाइट व्यू मैं आपको बाहर का नहीं दे पाऊँगा। देखिए अगला स्टेशन कोई कवर होता है तो मैं करूँगा, जहाँ पर तो इस ट्रेन में जो है मैं हाफलॉन्ग में आगे में चढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे ट्रेन का लामडिंग में 6:10 में डिपार्चर है, 5:45 में यहाँ पे इसका अराइविंग टाइम था। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने रिजर्वेशन वाली बॉगी में चला जाऊँ, तो मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी दूसरे के सीट पर क्या बैठना, अपनी सीट पर चले जाते हैं। यहाँ से अभी लगभग 5:40 की जर्नी हमारी बची हुई है, तो हम अपने कोच के तरफ जा रहे हैं। आज मैं जनरल में सफ़र करना हूँ, D3 में हमारा सीट है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी बॉगी की तरफ, कोच की तरफ। यहाँ पे बहुत चीज़ें मिल रही हैं आपको, खा सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन का अभी हॉल्ट है बचा हुआ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ चल रहा हूँ। दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे भी पहुँच जाऊँगा। हमारी विस्टर डोंग वाली अगर आपने जर्नी देखी होगी तो वो जो जिस रूट से गई थी कुछ कुछ स्टेशन वही रूट के थे, लेकिन फिर ये जो हमारी ट्रेन है ये दूसरे रूट से होके गुवाहाटी जा रही है। स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेशन आप देख सकते हैं हमारे पीछे, काफ़ी ही अच्छा खूबसूरत सा स्टेशन है। 5:36 हो रहे हैं अभी, हमारी ट्रेन फाइनली लामडिंग को डिपार्चर कर रही है। यहाँ पे 6:10 में डिपार्चर टाइम था, लेकिन 6:22 में ये हमें यहाँ से लेके जा रही है, जबकि यहाँ पे 25-30 पहले ही ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे डिले कर दिया गया है। तो इसके आगे तो नाइट व्यू आपको मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स रात के 10 बज रहे हैं और मुझे लग गई थी भूख,
9:30 बज रहे हैं, अभी 10 बजने वाले हैं। तो मैं आ गया हूँ फूड प्लाजा में। मैंने लिया है वेज थाली जो कि मुझे पड़ी है 150 रुपये की। दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। देखिए ये रहा वेज थाली, मैंने इसमें सभी खाया है। दो रोटी है, चावल है, ये आलू मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, ये दाल, ये पनीर, मटर पनीर जिसमें ग्रेवी अलग से आपको मिलता है, पनीर अलग से, एक स्वीट्स है, सलाद है, अचार है, मिर्च ले आता हूँ, ठीक है। तो ये इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है खाने में। चलिए मैं खा के आपसे मिलता हूँ फिर, ठीक है। When I look into her eyes, I see paradise.